अस्सलाम वालेकुम ननी गोइंकंस बच्चों, हम उम्मीद रखते हैं आप सब खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी बाकायदगी से करते होंगे। आप जान गए कि ये, और आप जानते भी हैं कि पानी कितना अहम है हमारे लिए, और अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ पानी के ज़खायर हमें बख्शे हैं। तो इस नज़्म में बच्चों आप जान गए कुछ हद तक कि इस्माइल मीठी साहब कह रहे हैं कि अगर इंसान अपने अशरफुल मखलूकात होने का सबूत देना चाहता है तो वो किस तरह दे सकता है। एक तरीका ये भी है कि वो पानी को बचाए रखे, इसके ज़खायर जो हैं उनकी हिफाजत करें और इसका सही इस्तेमाल करें। तो बच्चों नज़्म के अगले हिस्से में हम देखते हैं क्या लिखते हैं शायर। तो चलिए यहाँ से हम शुरू करते हैं। हवा पर चढ़ के पहुँचे सैकड़ों कोस, कभी ओला कभी पाला कभी ओस। हवा पर चढ़ के बच्चों जब हम पानी को उबालते हैं, गर्मी देते हैं, तो ये बुखारात की सूरत पेश करता है, यानी कि शक्ल इख्तियार कर लेता है और हवा में घुल मिल जाता है। कोस क्या होता है? दूर। सैकड़ों यानी सौ। कभी ओला, ओला बच्चों आप जानते हैं बर्फ़ की छोटी छोटी गेंदे जैसी, जो जब तेज़ बारिशें होती है तो उनके साथ ये भी बरसती हैं। कभी पाला यानी बर्फ़, कभी ओस। ओस क्या होता है बच्चों? अगर आप सुबह सवेरे बाग में निकलते हैं या दरख्तों पर या पेड़ों पर नज़र डालते हैं तो पत्तों या फूलों की पंखड़ियों पर आप छोटे छोटे पानी के खूबसूरत से कतरे देखते हैं, वही होता है ओस, जिसको हम शबनम भी कहते हैं। इसी के दम से दुनिया में तरी है, इसी की चाह से खेती हरी है। तो इस शेर में इस्माइल मीठी साहब फरमाते हैं ये पानी की ही करामत है, अल्लाह ताला ने जिसको बनाया है इसी की बदौलत दम, यानी कि जब तक ये पानी है दुनिया में हरियाली नज़र आएगी आ रही है। इसी की चाहत से खेती हरी है, यानी कि खेतों में जो हरियाली, जो फसलें हमें नज़र आती हैं वो पानी की बदौलत ही हमें नज़र आती हैं, तो इसकी हमें कदर करना चाहिए। अगले शेर में क्या कहते हैं शायर, चलिए देखते हैं। फलों में, फूल में, हरी पंखुड़ी में, हर एक टहनी में, हर बूटी जड़ी में। फलों में, फूल में, हरी पंखुड़ी में, बच्चों आप जानते हैं बागों में या सब्जी के बाग हो या फसलों के जैसे धान वगैरह के बाग खेत होते हैं, तो या फलों के यानि मेवों के जो बागात होते हैं उनमें जब हम पेड़ लगाते हैं तो उनको भी बाकायदा पानी की आपाशी की ज़रूरत है। फलों में, फूल में, हर पंखुड़ी यानि कि फूल की हर एक जो पत्ता होता, हर एक हिस्सा, हर एक टहनी में, दरख्तों की शाखें जो होती हैं, हर बूटी जड़ी में, यानि कि छोटी बड़ी जो जड़ी, यानि कि जो जड़ी बूटियाँ जंगलों में उगती हैं वो तो अल्लाह ताला खुद उनका रखवाला होता है। पानी वहाँ पर बारिशें होती है तो खुद ये खुद रो होती है, इनको हम उगाते नहीं हैं, लेकिन इन सब की जो जान है वो किस पर मुनस्सिर है? पानी पर। फलों का है इसी से ताज़ा चेहरा, इसी के सर पर है फूलों का सहरा। तो बच्चों इस शेर में इस्माइल मीठी साहब फरमाते हैं फलों का है इसी से ताज़ा चेहरा, जो फल हम खाते हैं मुख्तलिफ इकसाम के वो ताज़ा दम किससे रहते हैं? जब उनको बाकायदा पानी मिलता है। अगर हमारे फलों के बागों में बाकायदा उनको पानी नहीं मिलता या बारिशें वक्त पर नहीं होती तो फलों का क्या होता है? सारे मेवे ख़राब होते हैं। इसी के सर पर है फूलों का सहरा। कहते हैं कि जो बागों में तरह तरह के फूल खिलते हैं उनको भी बाकायदा आपाशी की ज़रूरत होती है और उनकी भी जान का जो दारोमदार है वो पानी पर है। अगले शेर में शायर क्या लिखते हैं? इसी को पी के जीते हैं सब इंसान, इसी से ताज़ा दम होते हैं हैवान। तो इस शेर में इस्माइल मीठी साहब क्या लिखते हैं? इसी को पी के जीते हैं सब इंसान। बच्चों जहाँ तक हम इंसानों का ताल्लुक़ है, हमें ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, हवा, ऑक्सीजन की ज़रूरत,
साया जहाँ हम रहते हैं, लिबास, लेकिन उन सब में हवा के साथ साथ जो ग़िज़ा के साथ साथ जो अहम चीज़ है वो पानी है, जिसको पीकर हम पानी अपनी प्यास बुझाते हैं, अपने जिस्म की जो पानी की ज़रूरत होती है उसको पूरा करते हैं। इसी से ताज़ा दम होते हैं हैवान। और जहाँ तक परिंदों का, जानवरों का ताल्लुक है, कीड़े मकोड़ों का, उनकी भी जान का दारोमदार पानी पर है। ग़िज़ा के साथ साथ पानी की भी बाकायदा हर जानदार को ज़रूरत है। तो कौन लिखते हैं ये? इस्माइल मेहती साहब साथ में वो लिखते हैं। इसी वजह से हमें चाहिए कि हम इन पानी के जो ज़खायर हैं हमारे पास, उनकी हिफाजत करें। आखिर में लिखते हैं, तवाज़ा से सदा पस्ती से बहना, जफा सहना मगर हमवार रहना। तो आखिरी शेर में इस्माइल मेहती साहब लिखते हैं कि जो पानी है तवाज़ा से सदा पस्ती से बहना, कहते हैं कि ये कभी भी गुरूर नहीं दिखाता है, हमेशा नरमी से बहता रहता है, दानाई का सबूत देकर, जफा सहना मगर हमवार रहना। इसके साथ इसके ज़खायर है, जो इंसान है जिसको अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात का दर्जा दिया, लेकिन फिर भी वो बेवकूफ़ी का सबूत दे रहा है। क्या करके इन पानी के ज़खायर में गंदगी डाल के, इन पर इमारात खड़ा करके, इनके साथ ना इंसाफी बेवफाई कर रहा है, लेकिन पानी का कमाल देखिए कि वो फिर भी इंसान के साथ हमदर्दाना रवा सलूक रवा रखता है। तो बच्चों, इस नज़म से जो इस्माइल मेहती साहब की लिखी हुई है आपकी किताब में पानी, इससे हमने ये अख़ज़ किया कि हमें पानी को ज़ाया नहीं करना चाहिए, इसका सही इस्तेमाल करना चाहिए और इसको बचाए रखने की पूरी पूरी कोशिश करना चाहिए। तो बच्चों, बाकी सवालात के बारे में भी हमने जानकारी दी है, तो देख लीजिएगा और नज़्म को तरन्नुम में पढ़ने की, गाने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर हम आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।